श्रम कल्याण मैदान से रोजगार की मांग को लेकर छात्र राजद के बैनर तले शहर में निकाला विरोध मार्च, थाली पीट कर सरकार का किया विरोध। बिहार शरीफ शहर के श्रम कल्याण मैदान से बेरोजगार युवाओं ने रोजगार की मांग को लेकर छात्र राजद की अगुवाई में विरोध मार्च निकाला। इस दौरान दर्जनों छात्रों ने थाली पीट पीट कर सरकार के प्रति आक्रोश जताते हुए विरोध किया। इस दौरान छात्र राजद नेता मणिशंकर यादव ने कहा कि हम बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से रोजगार की मांग करते हैं, अगर सरकार हम लोगों को रोजगार नहीं देती है तो नीतीश सरकार अपना गद्दी छोड़ दे। अब अभी विधानसभा चुनाव का भी समय है, हम लोग नए सिरे से सरकार का निर्माण करेंगे और नए सरकार से हम लोग रोजगार की उम्मीद रखेंगे। इस कड़ी में हम आज तमाम युवा बेरोजगार के साथ ये थाली जुलूस निकाल कर शहर में भ्रमण कर रहे हैं। हम लोग थाली पीट कर सरकार को ये संदेश देने का काम कर रहे हैं कि बिहार की युवा अब जाग चुकी है, सरकार इन बेरोजगार युवाओं के प्रति गंभीर हो, नहीं तो आने वाले समय में सरकार के प्रति विकट स्थिति उत्पन्न होगी। 4.5 लाख वैकेंसी वर्तमान में जो खाली पड़ी है, सरकार वैकेंसी निकाल कर खाली पड़ी वैकेंसी को पूरा करे। हम बेरोजगार युवा नीतीश कुमार को इस विरोध मार्च से चेतावनी देते हैं कि ये सिर्फ ट्रेलर है, पूरी फिल्म अभी बाकी है। इस मौके पर छात्र नेता मणिशंकर यादव, नीतीश यादव, सुरेश यादव, विक्की यादव, चंदन यादव, रोशन यादव, यौंस यादव, गुड्डू कुमार, शेखर यादव, विपिन यादव समेत दर्जनों छात्र नेता मौजूद थे। इसका मुख्य उद्देश्य यही है, हम तमाम बेरोजगार युवा सरकार से रोजगार की मांग करते हैं और अगर सरकार हम लोगों को रोजगार देने में सक्षम नहीं है तो गद्दी छोड़ दे। हम लोग चुनाव का समय है, नए सरकार का निर्माण करेंगे और नए सरकार से हम अपनी रोजगार की उम्मीद रखते हैं। आज आप लोग क्या किए हैं? आज हम लोग तमाम युवा बेरोजगार छात्रों के साथ आंदोलन निकाले हैं, बिहार शरीफ हॉस्पिटल मोड़ से छोटा सा यात्रा निकाले हैं, थाली पीटने का काम किए हैं और एक संदेश देने का काम किए हैं। युवा अब जाग चुका है, सरकार इसके प्रति गंभीर हो, नहीं तो आने वाले समय में विकट स्थिति उत्पन्न होगी सरकार के लिए। जो आप लोग थाली पीट रहे हैं, क्या इसका उद्देश्य है? हम लोग थाली ना पीट रहे हैं, जितना लोग युवा लोग मेरा बेरोजगार लोग हैं, सबके रोजगार के लिए हम लोग रोड पे आज खड़ी हो गए हैं और सरकार को हम कहना चाहते हैं कि 4.5 लाख के जो वैकेंसियाँ खाली है उसको वैकेंसी को पूर्ण करने में नीतीश कुमार असफल है। इस कारण से हम लोग नीतीश कुमार को चेतावनी देना चाहते हैं, मुख्यमंत्री को चेतावनी देना चाहते हैं कि अपना गद्दी छोड़िए और नया सरकार को निर्माण करें, ताकि उन लोग आशा दे रहे हैं कि हम रोजगार को पूर्ण करेंगे। आज आप लोग क्या किए हैं? आज हम लोग सैकड़ों छात्र युवा के साथ हम लोग थाली पीटे हैं और ये सरकार को ट्रेलर दे रहे हैं। अभी तो पूरा फिल्म बाकी है और ये हर एक सप्ताह ऐसा ऐसा होगा। हम लोग अभी झांकी दिए हैं, पूरा फिल्म अभी बाकी है, देखिएगा हजारों हजारों की संख्या में मेरे साथ युवा छात्र लोग खड़े रहे। छात्र एकता जिंदाबाद।